चैप्टर देखने वाले। अब देखिए, अब मैं 4-5 सेट्स जो है कराऊंगा, ठीक है, और वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर्स रहेंगे, ठीक है। अगर आप उनको कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है, आप अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैच करेंगे, ठीक है, मैच करेंगे, वही एकदम वैल्यू अलग हो जाएगा लेकिन टाइप जो है क्वेश्चन का वही रहेगा, ठीक है। फुल मार्क्स जो है 80 है, 3 आवर में आप इसको खुद से कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चंस जो है मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, तो लाइन वाइज नहीं रहेंगे, लाइन वाइज। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, बोला जा रहा है आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है, एक स्कूल में जो है 1800 बच्चे हैं, 1800 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से जो है 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, मतलब जो है 750 लोग, 750 लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है, 800 ऑप्टेड क्रिकेट, ठीक है, 800 बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और रिमेनिंग जो बच गया ना वो क्या खेलते हैं, टेबल टेनिस। तो कितना बच गया आप बताइए, कितना बच गया, कितना बच गया पहले ये बताइए। 8750 बच्चे तो बास्केटबॉल खेल लिए, 800 जो है क्रिकेट खेल लिए, तो बच कितना गया, बच कितना गया, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो 1800 में से जो है आपको माइनस करना पड़ेगा 750 प्लस में 800, यही ना माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 250 के बराबर आएगा, ठीक है, मतलब जो है ये जो रिमेनिंग बच्चे बच गए जो टेबल टेनिस खेलेंगे वो कितने हैं, 250 बच्चे हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है, आगे क्वेश्चन में, इफ अ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, ठीक है, सिर्फ एक ही गेम खेल सकता है, एक स्टूडेंट एक ही गेम चुन सकता है, दो नहीं। तो बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो निकालना है, ए में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, ए में क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, ठीक है, जो बास्केटबॉल खेला है टेबल टेनिस खेला है उसको जो है रेशियो निकालना है। तो बास्केटबॉल कितने लोग खेल रहे थे, तो 750 लोग जो है बास्केटबॉल खेल रहे थे ना, और टेबल टेनिस लोग कितने खेल रहे हैं, 250, तो इसका बस रेशियो निकाल देना है। तो जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 3 जा 75, तो कितना आ गया, 3/1, मतलब रेशियो कितना हो गया, 3:1 हो गया, ठीक है। अब बी क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी में बोला जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट में कितना बच्चा हिस्सा ले रहा है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टिंग बास्केटबॉल, ठीक है, क्रिकेट टू बास्केटबॉल। तो सबसे पहले देखिए, क्रिकेट में कितना बच्चा है, 800 बच्चा है क्रिकेट में, ठीक है, और फिर बोला जा रहा है बास्केटबॉल में कितना बच्चा है, ठीक है, बास्केटबॉल में कितना है, तो 750। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए, ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए आगे, 5 से कटेगा 16 बार में, और ये 15 से, ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया, 16/15, तो ये रेशियो क्या हो गया, 16:15 हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला सी, सी देखिए, ठीक है, सी देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा सी। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल, ठीक है, बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट, टोटल, तो टोटल, तो हमारा टोटल हमारा कितना है, 1800 बच्चा है, और बास्केटबॉल कितना लोग खेल रहा है, तो बास्केटबॉल जो है 750 खेल रहा है, तो बास्केटबॉल 750 और टोटल यहाँ नीचे देखिए, नीचे 1800। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए इजीली, ये 0 से 0 गया, ठीक है। फिर देखिए आगे, ये देखिए इसको 15 5 75 बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है 12 हमारे हफ्ते कट जाता है, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/12 आया, मतलब रेशियो क्या रहा, 5:12 रहा, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क है, उसको फेंस करने का जो है, चारों तरफ से घेरने का, ठीक है, फेंस करने का कॉस्ट बोल रहा है, ठीक है। अब उसका जो है लेंथ 175 है और ब्रेथ 125 है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका लेंथ हो गया 175 और ये हो गया 125, ठीक है, मीटर में। अब ये साइड 175 है तो ये भी 175 हो जाएगा, और ये 125 है तो ये भी 125 हो जाएगा, क्योंकि जो है सामने वाला जो है रेक्टेंगल में जो है साइड्स बराबर होता है, ठीक है, सामने वाला, इसका सामने कौन है, ये, और इसका सामने कौन था, ये, ठीक है। अब देखिए,
सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, तभी तो चारों तरफ फेंसिंग करने का लेंथ आएगा, तब कोस्ट से गुना करेंगे तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सब साइड्स का सम कर देंगे, 175 प्लस में 125 प्लस में 175 प्लस में 125, जब इन सबको ऐड करेंगे